आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से बैनगंगा नदी पुण्यसर लीला बैनगंगा का उद्गम हुआ है और बैनगंगा नदी के लखनवाड़ा घाट सहित अन्य घाटों पर जगह जगह पितरों को तर्पण किया जा रहा है, पितरों का तर्पण किया जा रहा है। श्रद्धाम इदम श्रद्धाम, जो श्रद्धा से किया जाए वही श्राद्ध है। इसका भावार्थ है प्रेत और पितर के निमित्त उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक जो भी अर्पित किया जाता है वही श्राद्ध कहलाता है। पितृपक्ष पितरों को तर्पण करने का एक जरिया है, एक परंपरा है। इसका इंतजार लोगों को साल भर रहता है। इसमें श्रद्धा भाव के साथ श्राद्ध करने से पितर प्रसन्न होते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के लखन के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। लखनवाड़ा घाट पर हम आपको दिखा रहे हैं पितृ तर्पण। पितरों को तृप्त, पितरों के तृप्त होने से ही परिवार में खुशहाली बनी रहती है। 16 दिनों तक पितरों का वास अपने वंशजों के यहाँ रहता है। पितृपक्ष भाद्रपदी पूर्णिमा को 20 सितंबर से आरंभ हो गया है। इसमें अश्विन मास की अमावस्या तक यह पक्ष 6 अक्टूबर को समाप्त होगा। पितृपक्ष में पूर्वज अपने वंशजों के यहाँ निवास करने के लिए आते हैं। वंशजों द्वारा इसके लिए पहले से ही तैयारी करके रखी जाती है। तिथि वार उनका तर्पण घरों में परिवार के मुखिया के द्वारा किया जाता है। पितरों को खुश करने के लिए उनका मनपसंद भोजन पंचमेल मिष्ठान के साथ उन्हें कराया जाता है। धर्माचार्य बताते हैं कि पितरों को खुश करने से घर में खुशहाली बनी रहती है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए घरों में उनका श्राद्ध उनकी तिथि के अनुसार किया जाता है। जिस तिथि को वे देह त्यागते हैं उस तिथि के हिसाब से किया जाता है। उसके बाद सामान्य दिनचर्या शुरू हो जाती है। धर्माचार्य बताते हैं कि परलोक से पितर अपने वंशजों के यहाँ पूरे पितृपक्ष में बने रहते हैं, इसलिए लगातार 16 दिन तक उनका श्राद्ध के द्वारा उन्हें तृप्त रखना चाहिए। इससे परिवार में सदा ही खुशहाली बनी रहती है। ये बैनगंगा नदी के किनारे लखनवाड़ा घाट हम आपको दिखा रहे हैं। लखनवाड़ा घाट में यहाँ फिलहाल 3 घाट हैं जहाँ आपको सामने दिख रहा है। यहाँ 2 घाट और बनने की दरकार है। इसका कारण ये है, ये घाट बहुत छोटे पड़ रहे हैं। बैनगंगा नदी का ये हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। वहाँ सामने जो आप देख रहे हैं बैनगंगा नदी पर नया पुल बना हुआ है और नीचे छोटा पुल दिख रहा है। पंडित उपेंद्र महाराज के द्वारा यहाँ पर विधि विधान से, पूरे परंपरागत विधि विधान से पितरों का तर्पण कराया जा रहा है। यहाँ जितने भी ज्योतिषाचार्य धर्माचार्य और धर्म के ज्ञाता जो पितृ तर्पण कराने के जानकार पंडित हैं वे आते हैं और यहाँ पूरी तरह निःशुल्क, किसी से कोई यहाँ पर शुल्क नहीं लिया जाता है, निःशुल्क रूप से पितरों का तर्पण यहाँ कराया जाता है। लगातार 16 दिन यहाँ बहुत भीड़ लगी रहती है। लोग अपने पूर्वजों का तर्पण करने यहाँ आते हैं और जिस विधि विधान से यहाँ पर पितरों का तर्पण होता है वो वाकई वहाँ जो दृश्य होता है वो बहुत मन को छूने वाला, कहा जाए मन को छूने वाला दृश्य यहाँ निर्मित होता है। मम स्पर्शी जिसे कहते हैं। और जो पूजन कराया जाता है, जो ये कहा जाए कि वेद मंत्रों के साथ पितरों को तिलांजलि, तिल की अंजलि दी जाती है, जल उन्हें दिया जाता है, जलांजलि दी जाती है, इसे ही जिस श्रद्धा भाव से लोग करते हैं वो वहाँ देखते ही बनता है। लखनवाड़ा घाट बैनगंगा नदी के किनारे, कभी पानी यहाँ कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है। बारिश होती है तो पानी बढ़ जाता है। अभी आपको पानी कुछ मटमैला दिखाई दे रहा होगा, इसका कारण ये है कि यहाँ बारिश के चलते घाट पर थोड़ा सा पानी बढ़ा हुआ है और
मटमैला पानी दिख रहा है। ये जो स्थान है यहीं से एक समय में सिवनी शहर की सदा प्यास शांत की जाती थी। ये जो आपको दूर दिखाई दे रहा है वहाँ एक फिल्टर मोटर लगी हुई थी जहाँ से पानी पंप करके छिंदवाड़ा नाके वाले फिल्टर प्लांट तक जाता था और पूरे शहर में इसकी सप्लाई होती थी। कालांतर में इस यहाँ स्टॉप डैम बना हुआ था, इस स्टॉप डैम को ढहा दिया गया। सिवनी के सांसद, बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, सिवनी के विधायक, चारों विधायक दिनेश राय, अर्जुन सिंह काकोड़िया, राकेश पाल सिंह, योगेंद्र सिंह और मंडला के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, सभी से अपील है, गुजारिश है, इल्तिजा है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि यहाँ बैनगंगा नदी सहित अन्य जितने भी जल स्रोत हैं उन जल स्रोतों में अगर चार चार पाँच पाँच आठ आठ किलोमीटर पे एक स्टॉप डैम बना दिए जाए तो पानी भरा रह सकता है, लगातार यहाँ पानी रह सकता है। जो गर्मी के दिनों में बैनगंगा नदी बहुत ही कम पानी बचता है, वो कम पानी वहाँ पर नहीं बचा रहेगा, पानी प्रचुर मात्रा में रहेगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से लखनवाड़ा घाट पहुंचकर अखिलेश दुबे की रिपोर्ट, ये हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पितरों का तर्पण हो रहा है, पूरे विधि विधान से लगातार 16 दिन तक पितरों को जल दिया जाएगा। काला तिल, जौ, चावल, पुष्प, इसके साथ यहाँ पर जो भी पूजन अर्चन हो रहा है आपके सामने है, हम लगातार आपको पितृ तर्पण दिखा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में अगर आपको ऑडियो बुलेटिन, वीडियोस, मौसम के अपडेट आदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। हम फिर हाजिर होंगे, फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।